लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह पहली बार है कि ईवीएम पर विवाद नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के अमीर व्यक्तियों में एक बार बेशुमार एलन मस्क ने इसको लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने ईवीएम को लेकर ऐसा ट्वीट किया है कि हर तरफ कलबली मच गई। एलन मस्क के ट्वीट के बाद दिल्ली सरकार ने मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, भले ही वह नेटवर्क से कनेक्ट हो या ना हो। सौरभ भारद्वाज पहले भी ईवीएम मशीन को लेकर कई बार मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन हर बार यह चुनाव के बाद शांत हो जाता था। लेकिन पहले एलन मस्क ने अमेरिका चुनाव के संदर्भ में इस मामले को उठाया और उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने। बता दें कि एलन मस्क ने ट्वीट के जवाब में बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय एवं को लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि यह कितना सुरक्षित है और सहज है। ईवीएम मशीन को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एलन मस्क के द्वारा ट्वीट किया, ट्वीट कर चिंता जाहिर की है कि इस पर मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि विवेक भले ही किसी नेटवर्क से ना हो, लेकिन उससे नुकसान पहुंचाना संभव है। दरअसल एलन मस्क ने सपोर्ट पोस्ट में उस समय साझा किया है जब पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और आगामी अमेरिका चुनाव के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एक पोस्ट कर इस मुद्दे को उठाया था। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने अपने पोस्ट में ब्यूरो रिको में मतदान के दौरान हुई अनियमितताएं का जिक्र किया था। एलन मस्क ने 16 जून को इस पर लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए, इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है फिर भी बहुत अधिक है।